जीना सबसे सब जीते हैं। एक जो एनिमल वो भी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ मानव है। खुद के लिए जिया तो क्या जिया, जो जिंदगी दूसरों के लिए जीता जिया जाता है सही मायने में वो जिंदगी होता है। इसलिए खुद के साथ साथ यस रोटी कपड़ा मकान खुद के लिए नहीं होगा तो फिर खाली पेट तो काम नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ना चाहिए। जब तुम आगे बढ़े बढ़ोगे थोड़ा बहुत पीछे भी देखना है, तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं और क्यों है, क्यों का आंसर ढूंढिए और उनको भी साथ लेने के लिए प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसे देश है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को परम वैभव राष्ट्र बनाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहे हैं। कोई अपने आप को ये जो आशीर्वाद राधा जी अपने आप को छोटा नहीं समझना, ऐसे बहुत सारे बहने हैं पढ़ाई अनपढ़ ऐसे हैं, ये पढ़ाई एक क्वालिटी नहीं है, अनपढ़ भी कर सकते हैं हर चीज उनके अंदर है। आज जो गांव में पहले जोड़ी बूटी जो दावा बनाते थे वो लोग पढ़ा लिखा है, वो लोग डॉक्टर तो नहीं थे, उनके क्वालिटी है वो कोई कुछ चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। समय के हिसाब से आज एसएचसी ग्रुप कहते ना, इसी से एसएचसी ग्रुप बनाए हैं क्योंकि गांव को एसएफ बनाना चाहते हैं थे एसएचसी ग्रुप। इसीलिए कहते ना एक एक अकेला थक जाएंगे मिलकर बोझ उठाना, क्योंकि एक अकेला वो महिलाएं नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मिलकर बोझ उठाने से वो आसान हो जाएगा। कोई भी महिलाएं पहले कलेक्टर ऑफिस सब कलेक्टर ऑफिस है जाना नहीं चाहते क्योंकि डर था, आज बैंक जाना नहीं चाहते थे, मिलकर जाते हैं अपने डिपॉजिट अपना विड्रॉ किसी को थर्ड पर्सन को लेकर जाते थे। कलेक्टर ऑफिस जाना नहीं चाहते डरते थे, क्योंकि मिलकर जब जाते थे हौसला एनर्जी आ जाता है। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर करने से ना ज्यादा उत्साह ज्यादा ताकत आ जाता है। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप को सहायक करना, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत भी आप देख सकते हैं, आत्मनिर्भर बनना है। आज बहुत सारे चीजें महिलाएं फेस करते हैं जिंदगी में, बहुत सारे चीजें सामना चैलेंजेस फेस करते हैं। इसीलिए सभी माताओं को आपके माध्यम से मैं दुनिया को बोलना चाहती हूं, कोई बेटा बेटी में भेद नहीं करना, बेटा को जितना प्यार जितना शिक्षित जितना आत्मनिर्भर आप बनाते हैं बेटियों को भी इतना बनाना चाहिए, क्योंकि ये बेटियां देश के ऐसे शक्ति है। बहुत सारे उदाहरण है, मैं उदाहरण आप सब एजुकेटेड बच्चे हैं, बहुत सारे देश है जहां जिस देश में महिलाएं आगे है वो देश ज्यादा उन्नत ज्यादा सशक्त है। इसीलिए माताएं बहनें शक्ति स्वरूप है, इसीलिए ये शक्ति को केवल अपने अंदर नहीं पूरा देश को भी दिखाना है, देश को भी बांटना है, देश को भी देना है। इसी के साथ ही पुनः ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, मैं और क्वेश्चन करना नहीं चाहती।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी आपने सलाह दी है हम जरूर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मिलकर भोज उठाएंगे और आत्मनिर्भर भारत की तरफ काम करेंगे। प्लीज स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम।